बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99 पर। स्टूडेंट्स, आज से हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करना शुरू करेंगे एंड दैट चैप्टर इज थर्मोकेमिस्ट्री। आज से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। बेसिकली याद रखना है कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम मोस्टली थर्मोडायनामिक को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम थर्मोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, फिर इसके साथ मेन चीज़ों पर बात करेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री किन चीज़ों के साथ रिलेटेड है। बेसिकली देखें, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड। द वन वर्ड इज थर्म आर थर्मो। एक वर्ड है थर्मो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब जो थर्मो है, इट रेफर हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट, या फिर हम इसे एनर्जी भी कह सकते हैं। वर्ड थर्मो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट और एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा कि इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना। इसका मतलब यह हुआ कि हीट और एनर्जी चेंजेस, हीट और एनर्जी चेंजेस की जब आप स्टडी करेंगे, दैट स्टडी इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। अब हीट और एनर्जी चेंजेस कहां पर आएंगी? केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में आएंगी। हमारा काम केमिस्ट्री में रिएक्शन से रिलेटेड होता है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हीट और एनर्जी चेंजेस को स्टडी किया जाए, कहां पर? ड्यूरिंग रिएक्शन। कि एक रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंजेस क्या आ रही है या हीट चेंजेस क्या आ रही है, इनकी स्टडी को आप क्या कहोगे? थर्मोकेमिस्ट्री। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हीट आर एनर्जी चेंजेस, हीट आर एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, कि एक रिएक्शन के दौरान जो हीट या एनर्जी चेंजेस आती हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो हीट चेंजेस आती हैं या जो एनर्जी चेंजेस आती हैं, वो स्मॉल अमाउंट में नहीं आती, वो ह्यूज अमाउंट में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट या तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगी या रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस के साथ जब आप रिएक्शन की एनर्जी या हीट को लिखा हुआ देखेंगे, तो वो किलो जाउल में लिखी हुई होगी। देखें, आपको ये बात पता है कि जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो क्या है? जाउल है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, ठीक है। लेकिन यहां पर रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी चेंज आई होगी या जो हीट चेंज आई होगी, उसको आप देखेंगे किलो जाउल में लिखा होगा, किलो जाउल में, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो माइन्यूट अमाउंट में नहीं होती, वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। इसीलिए हम उसकी जो मल्टीपल यूनिट है, यानी कि लार्ज यूनिट यूज करते हैं, दैट इज किलो जाउल, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है और ये बात भी ध्यान में बिठानी है कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस आती हैं। अच्छा, अब यहां पे हमने ये देखना है कि फर्स्ट हम कुछ एक बेसिक्स पर बात करेंगे, फिर हम थर्मोडायनामिक्स पर जाएंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम रिएक्शंस की बात करेंगे कि रिएक्शंस किस तरह की हो सकते हैं, चेंजेस किस तरह की हो सकती हैं। देखिए, मेन बात याद रखनी है कि ओवरऑल अगर हम चेंजेस को देखें, जितनी भी चेंजेस आती हैं वो दो तरह की हो सकती है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है या कोई भी प्रोसेस है, वो जो प्रोसीड हो रहे हैं, वो दो वे में हो सकते हैं। या तो ऐसा हो कि कोई काम खुद हो जाए, उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़े,
उस पर हमें वर्क डन करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने ऊपर छत पर पानी गिराया या छत पर या हाई लेवल पर पानी पड़ा है, अब क्या होगा, पानी खुद ही नीचे आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि नदियां बह रही होती हैं या पानी मूव कर रहा होता है, अब उसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते उसे, हमें उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपने देखा होगा घरों वगैरह में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अगर कोई चीज लेके जानी हो या वाटर ही लेके जाना हो तो क्या करते हैं, हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाकर उसको लेके जाना पड़ता है। तो इट्स मीन कि जितने भी प्रोसेस कैरी ऑन हो रहे होते हैं वो दो वेज में हो सकते हैं, या वो खुद हो जाएंगे या उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इट्स मीन चेंजेस आर ऑफ टू टाइप, नंबर वन इज स्पॉन्टेनियस, एक को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, दूसरे को हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। देखिए, फर्स्ट हम लेंगे स्पॉन्टेनियस। अभी हमने बात कर ली कि ऐसे प्रोसेसेस जो खुद ब खुद हो जाएं, उनको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। सिंपल सी बात है कि दोज प्रोसेस आर चेंजेस, दोज प्रोसेसेस आर चेंजेस विच टेक प्लेस बाय इट्सेल्फ। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, जिन्हें हमें वर्क डन की जरूरत या जिन्हें हमें वर्क डन प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, आप ये कहेंगे कि दोज प्रोसेसेस आर चेंजेस विच टेक प्लेस बाय इट्सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क आर एनर्जी, जिनको कोई भी एक्सटर्नल वर्क या एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल के तौर पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया, एक हाई सरफेस से लो सरफेस की तरफ जो वाटर की मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया। दूसरी चीज यहां पर, नॉन स्पॉन्टेनियस, अब ये बात आपको क्लियर हो गई है ना कि अगर स्पॉन्टेनियस खुद हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जिसे हम एनर्जी प्रोवाइड करें या जिसे हमें वर्क डन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े। तो आप ये कहोगे दोज चेंजेस आर प्रोसेसेस विच रिक्वायर एक्सटर्नल वर्क डन आर एनर्जी। ऐसे प्रोसेसेस जिन्हें हमें एक्सटर्नल वर्क डन या एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत पड़े, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसा कि इसी की एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल की बात करें तो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर अपहिल, यानी कि नीचे से ऊपर जब आप पानी को लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो दीज आर
two types of changes, spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous का मतलब जो खुद हो जाए, non-spontaneous जिसको work done के साथ या energy के साथ किया जाए. तो I hope ये बातें दोनों आपको clear हो गई होंगी. अब इसी से related हम आते हैं reactions पे. याद रखना इसी की बेस पे reactions भी दो तरह के होते हैं. अब देखिए यहां पे ये जो हमने कहा spontaneous हो रहा है. अब हम ये तो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो जो मूवमेंट है उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं. उसको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन वो जो सिस्टम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. उन्हें सराउंडिंग की या बाहर की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. उनकी अपनी जो मौजूदा एनर्जी है उसी को यूटिलाइज करके वो क्या करते हैं, मूवमेंट या वर्क या जो भी चेंज है वो ले आते हैं. अब अगर सिस्टम की अपनी एनर्जी यूज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है. उस चेंज के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान उसकी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, चेंज हो रही है. ऑन द अदर हैंड अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है और उसे एनर्जी या वर्क डन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको. आप देखो, जैसे देखो पानी अगर ये कोई भी चीज एक हायर सरफेस पे है तो इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है. अब जब वो ऊपर से नीचे आ जाए, हमने उसे कोई एनर्जी या कोई वर्क डन नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, डिक्रीज आ गई. उसकी एनर्जी क्या हुई है, सराउंडिंग में चेंज हो गई है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई है. तो इट्स मीन ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम की अपनी एनर्जी यूज होती है और वो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ऑन द अदर हैंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो वहां पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सराउंडिंग एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है. तो इस केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है. वाटर की एग्जांपल की अगर हम बात करें, नीचे से आप ऊपर ग्राउंड लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो, लेकिन जैसे ही उसको मोटर के जरिए या किसी भी सोर्स के जरिए आप लोअर लेवल से ऊपर हायर लेवल पे लेके जाएंगे तो यू आर प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी. जब वो एनर्जी उसे मिलेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, व्हाइल ऑन द अदर हैंड इन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस. दैट्स ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. So far, I think it's enough for you. If you have any question regarding this introduction, you can mention it in comment box. Thank you very much.